क्या जी हाँ, मैं तैयार हूँ शादी के लिए, बिकॉज़ मुझे पता है कि प्रीतो ने यही शर्त रखी है सौम्या को अपने घर में रखने के लिए, सो आई एम रेडी। बट हरमन के लिए ऐसा कुछ नहीं है, हरमन इज़ लाइक कि नहीं, मेरी ज़िंदगी में सौम्या के अलावा और कोई नहीं हो सकता, तुम शादी के लिए मना कर दो क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बाकी किसी और से शादी हुई तो वो खुद हैंडल कर लेगा। तो अभी फ़िलहाल यही स्टंट चल रहा था कि मुझे ये बोलने के लिए बुलाया गया था कि तुम मना कर दो शादी के लिए। तो आपने क्या सोचा, मतलब अब इतना बड़ा डिसीजन, आपने पहले तो अपनी शादी तोड़ी और फिर उसके बाद अब कैसा? हाँ, तो मैं मना नहीं करूँगी शादी के लिए, मुझे पता है क्या है पीछे का सिनेरियो और क्या नहीं। सो बट अब मैं वो चीज़ हरमन को नहीं बता सकती क्योंकि सौम्या ने अपनी कसम दे रखी है। तो सौम्या ने बेसिकली हम दोनों को ही कसम दे रखी है एक दूसरे को कुछ नहीं बताना, तो ऐसा टाइप से है। क्या लगता है कि दोनों बहनों में अभी तो इतना प्यार है, लेकिन जब सौतन जम जाएंगी तो मतलब कहानी और भी ट्विस्टी हो जाएगी? नो आइडिया आगे क्या चंक रहेंगे, क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, बट ये अब तक तो यही है कि सेक्रीफाइस हो रहा है एक दूसरे के लिए सबकी तरफ से, एंड आगे भी कुछ ऐसा ही रहेगा तभी मजा आएगा, बिकॉज सब नेगेटिव हो जाएंगे या सब कुछ ना कुछ प्लॉटिंग करने लगेंगे तो फिर किस पे करेंगे, वो भी तो ज़रूरी है ना, कोई तो एक होना चाहिए ना विक्टिम भी। तो ऑफकोर्स आगे देखते हैं क्या होता है। सुरभि को सच क्रेडिट सौम्या ने कभी नहीं दिया है, वो हमेशा हरमन जी का रहता है उसका। और तो बट यस, सुरभि ने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन जो सौम्या के लिए चेंज किया है, पिस नहीं रही है बट उसे इतना पता है कि सौम्या के लिए उसे करना है और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि और कोई उसे हेल्प नहीं करेगा कहीं रखने के लिए, पापा घर पर रहने नहीं देंगे, वहाँ वो रह नहीं सकेगी, किन्नर हाउस वापस वो जाना नहीं चाहती है, तो कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, तो उसके इसी के लिए सुरभि ने ये सब किया।